नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी। मैं हूं हरीश और मैं आपको यहां पर एक और नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। यहां पर आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश के अंतर्गत एमपीपीएससी की जो वैकेंसियां हैं वो आ चुकी हैं और ये बहुत ज्यादा पोस्टें आई हैं। तो इस बार जो वैकेंसी आई है वो पिछले 2-4 बार में सबसे अधिक है, मतलब इस बार जो वैकेंसी है वो काफी अच्छी है। इसकी जो अगर हम कहें कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है तो 9/2/2023 है और 10 जनवरी से इसके फॉर्म भरने लगेंगे। इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा दिनांक है यानी प्री का जो एग्जाम होंगे वो 21/5/2023 यानी रविवार को होंगे। इसके अलावा यहाँ पर है कि इसकी आयु की, अगर आपकी आयु के संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप ज़्यादा एज के हो गए तो 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में इसमें गणना की जाएगी और जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें यथावत रहेगी। बाकी यहाँ पर कुछ विशेष नहीं है। जरूर यहाँ पर बताया गया इन्होंने कि माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर दायर याचिका क्रमांक के अनुसार अब क्या है कि आपको अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको रोजगार कार्यालय में पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मध्य प्रदेश से संबंध में हैं तो भी आपको रोजगार पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको रोजगार कार्यालय में पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य प्रस्तुत करना होगा। कब? साक्षात्कार के समय, यानी पहले से आपको देने की आवश्यकता नहीं है अगर आपका नहीं हुआ है तो, और बना ले तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप शासकीय सेवक है यानी पहले से कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से आपका काम चल जाएगा। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके अलावा और कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है वो इसमें देख लेते हैं और कितनी वैकेंसी है, कहाँ कहाँ से आई है। यहाँ पर दिखा हुआ है 20 प्रकार की वैकेंसियां हैं और 427 टोटल वैकेंसियां हैं। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में दी हुई हैं किस किस प्रकार की पोस्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये डिप्टी कलेक्टर के और गृह विभाग के अंदर डीएसपी की पोस्टें हैं। इसके अलावा जेल विभाग में कुछ पोस्टें हैं, वित्त विभाग में पोस्टें हैं, स्कूल शिक्षा विभाग में है, सहायक संचालक की पोस्टें हैं। इसके अलावा यहाँ पर जिला महिला बाल विकास से संबंधित पोस्टें हैं, श्रम विभाग से संबंधित पोस्टें हैं, जिला पंजीयक की पोस्टें हैं, जिला आबकारी अधिकारी की पोस्टें हैं, नायब तहसीलदार की पोस्टें हैं। तो ये काफ़ी पोस्टें आई हुई हैं इस बार से, आप देख सकते हैं। आबकारी उप निरीक्षक की पोस्टें हैं 53, इसमें 88 आपकी वाणिज्यकर निरीक्षक की पोस्टें हैं। इसके अलावा और यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश अधीनस्थ सेवा लेखा में 54 पोस्टें हैं, परिवहन उप निरीक्षक की पोस्टें 33 हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत भी वही सेम टू सेम 15 पोस्टें इसमें आई हुई हैं। परियोजना क्षेत्रपाल के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक वन क्षेत्रपाल में इसमें लिखा हुआ कि वर्तमान में विभाग द्वारा इन पदों का मांग पत्र आयोग में प्रेषित नहीं किया गया है। राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 का प्रारंभिक परीक्षा का चयन परिणाम घोषित होने के पूर्व यदि विभाग द्वारा इस पदों का मांग पत्र आयोग को प्रेषित किया जाता है तो शुद्धि पद के माध्यम से पदों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित किया। मतलब कहने का मतलब है कि अभी वैकेंसियां और बढ़ेंगी, इसमें वैकेंसी बढ़ने की काफ़ी संभावना है। ये जो वैकेंसियां हैं 450 से बढ़ करके कम से कम 700 तक, मान के चलो कि 700 भर्तियां इसमें शामिल हो जाएंगी, यानी इतनी बड़ी वैकेंसियां इससे पहले लगभग कभी नहीं आई और ये बहुत अच्छी वैकेंसियां हैं। इसका अगर यहाँ पर देख लें कि विज्ञापन आज ही जारी हुआ है, आवेदन 10 जनवरी से हो जाएंगे, अंतिम तिथि 9 है, परीक्षा की जो तिथि है यहाँ पर दी है 21/5/2023 है, काफ़ी टाइम है आपके पास इसमें तैयारी करने के बाद। और बहुत अच्छी बात है ये कि बहुत समय बाद इतनी वैकेंसी आई हैं और इसकी आयु अगर आप देख लें तो गैर वर्दीधारी हेतु आयु 21 वर्ष की पूर्ण आयु कर ली हो, 40 वर्ष की पूर्ण ना की हो। इसके अलावा अगर वर्दीधारी यानी डीएसपी वगैरह की पोस्टों के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 33 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, और आयु की गणना पहले ही बताया था 1 जनवरी 2023 से निर्धारित की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो निर्धारित मापदंड है 168 सेंटीमीटर और सीना है। इसके अलावा आपको बताने लायक और कोई जानकारी इसमें विशेष तो है नहीं, बाकी सब आपको पता है सिलेबस क्या होता है इसका। सिलेबस 2 पेपर होते हैं, यहाँ पहले ही दिया है प्री और मेंस, इसके बाद इंटरव्यू होगा। प्री में आपका सी सेट क्वालिफाइंग मार्क होगा और पहला आपको पता ही उसमें जितना स्कोर करेंगे वो उसे आपका मेरिट बनेगी। तो कुल प्रकार के इस प्रकार के ये पोस्टें हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी से तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।